क्वेश्चन नंबर 9, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 70 mmHg. ठीक है, तो यहाँ पर वाटर का वेपर प्रेशर दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट. ठीक है, सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, P1 naught. ओके, सो यहाँ पर दिया गया है P1 naught इज इक्वल टू हाउ मच, 70 mmHg. ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, यहाँ पर हम पूछा गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सो यहाँ पर देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ओके, डिनोट करते हैं P से. ओके, सो P इज इक्वल टू ? देन नेक्स्ट, कंटेनिंग 2.8 ग्राम ऑफ यूरिया इन 50 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ग्राम है, मतलब क्या, मास दिया गया है. ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इज 2.8 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज 50 ग्राम. सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे W2. ओके, जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है उसको हम W2 बोलते हैं. ठीक है, W2 से लिखते हैं. सो W2 कितना है, 2.8 ग्राम. ओके, W1 इज मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके, तो सॉल्वेंट वाटर है, कितना है, 50 ग्राम. ओके, तो यहाँ पर हमें दिया गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ओके, एंड मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ पर हमें पूछा गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ओके, पी फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये रिलेट कर रहा है ये वाले इक्वेशन से. ओके, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, ये वाला. तो यहाँ पर डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 naught minus P. ओके, तो ये वाला फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा पी बाई P1 naught इज इक्वल टू दिस. ओके, अभी डेल्टा पी क्या होता है, P1 naught minus P होता है. ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा पी की जगह पर हम लिख सकते हैं P1 naught minus P. ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये यूज होगा यहाँ पर. ऑलराइट, ये वाला फॉर्मूला, वेयर P1 naught इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, W1 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 इज मास ऑफ सॉल्यूट, M1 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड M2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ओके, तो ये जो है ना, ये आपको याद रखना है. ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिख जाता है उसमें P1 naught W1 W2 दिया गया है, ठीक है, P फाइंड करना है, ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है. ओके, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ये वाला फॉर्मूला तो लगाना है. ओके, हमें P1 naught दिया गया है, W2 W1 दिया गया है, ठीक है, P फाइंड करना है, बट M1 और M2 क्या होगा, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा. ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर. ओके, और सॉल्यूट क्या है, यूरिया. ओके, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं M1. M1 क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके, तो सॉल्वेंट वाटर है, दैट इज H2O. ओके, देन M2, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. ओके, तो सॉल्यूट है यहाँ पर यूरिया. ओके, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2. सो नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं वाटर का मोलर मास क्या होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 2 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का एक ही एटम है, सो 1 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. ओके, सो 2 + 16 इज इक्वल टू 18. ओके, सो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वाटर, इज 18 g mol inverse. ओके, मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम मोल इनवर्स. ओके, देन नेक्स्ट, यूरिया का निकालते हैं मोलर मास. तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4, सो 4 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, प्लस नाइट्रोजन कितने हैं, 2, सो 2 × नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14, प्लस कार्बन एक ही है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक ही एटम है, सो 1 × ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज 16. ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मोलर मास मिलेगा 60. ओके, 60 g mol inverse. ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आंसर, दैट इज मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60 g mol inverse. ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें मोलर मास भी मिल चुका है. देन नेक्स्ट, अभी हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है इस फॉर्मूले में. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूले को लिख देते हैं, दैट इज P1 naught minus P by P1 naught इज इक्वल टू W2 by W1 × M1 by M2. ऑलराइट, सो P1 naught क्या है, 17, सो 17 माइनस P हमें फाइंड करना है. ठीक है,
Then next, 17 is equal to, what is W2? 2.8. W1, 50. Then next, into M1 kya hai? So M1 is 18. M2 is 60. Alright? Then next, 17 minus P as it is rahega. ठीक है, देन नेक्स्ट 2.8 इंटू 18, ओके 17 यहाँ पर चला जाएगा, सो इंटू 17 बाय 6 5 30, ओके, और यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 लिख देंगे. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर, 8 5 6.8. ऑल राइट, 3000. देन नेक्स्ट इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 0.2856. ओके, देन नेक्स्ट अभी यहाँ पर देखिए माइनस पी एज इट इज रहेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट 0.2856. ओके, ये क्या है, प्लस 17 है. ठीक है, तो ये साइड जाएगा तो आ जाएगा माइनस 17. ऑल राइट, सो माइनस पी इज इक्वल टू, ओके, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बड़े नंबर का ही साइन रहेगा यहाँ पर, सो माइनस, ओके, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 1.6.7144. ओके, सो यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो पी इज इक्वल टू 1.6.7144. ओके, यहाँ पर यूनिट लिख देंगे mmHg. सो दिस इज द आंसर. ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिला हमें, 16.71. ऑलराइट.